आज अभी से ही धुंध लग गई है। टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं अभी, और धुंध देखो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज बढ़िया धूप खिली हुई है हमारे वहाँ, और हमारे बगल में जैसे मैंने आपको बताया, पूरे कल दिन के 12 बजे से करीब उन्होंने अखंड रामायण का पाठ शुरू किया था और पूरी रात चला, और अभी जाके ख़त्म हुआ है। जो भी आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी वो वहीं की थी, और अभी इन महाराज को घूमना है। शिवान चालू बोलो, हेलो। तो ऐसे ही मैं इसको धूप में घुमाने लाया हूँ, कई देर से बाहर घूम रहे, अंदर बैठे हुए थे, तो इस कारण इसको बाहर घूमने की आदत पड़ी है। तो एक बार इसको घुमा के फिर मैं जिम जाता हूँ। तो जिम करने के लिए भी सबसे मेन बात है आपका माइंड फ्री होना चाहिए, यानी आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना है। क्योंकि मैं कई दिन से डेली आता तो हूँ जिम, बस 2-4 दिन, कभी 1 दिन आके 2 दिन छुट्टी हो जाती है, और जिस दिन भी आता हूँ उस दिन खाली रिलैक्स करके जाता हूँ, क्योंकि अपर बॉडी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती क्योंकि मुझे जल्दी भागना होता है। तो इसलिए एक्सरसाइज करने के लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर और पीस होनी ज़रूरी है। तो लो जी, होगी मेरी एक्सरसाइज। आज भी मैं रिलैक्स करके आया, खाली मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट की ही लेग्स की कुछ एक्सरसाइज मारी है। ऊपर अपर बॉडी करने की इच्छा ही नहीं होती बिल्कुल भी। एक तो मेरी गर्दन में पता नहीं क्या हो गया, हर दूसरे तीसरे दिन दर्द रहता है, और दिमाग इधर उधर भटकने की वजह से एक्सरसाइज में भी इतना टाइम नहीं लगता करने का। तो बस आ जाता हूँ मैं, ताकि रूटीन बना रहे, छूटे ना, और अब घर जाते हैं। भाई मैं जिम से आया तो मेरे कुछ लोअर थे, उनके इलास्टिक ख़राब हो गए, नाड़े पे टिके हुए हैं, उन पे इलास्टिक डलवा लेते हैं। यहीं घर के बगल में ही एक भैया बैठते हैं, तो 50 रुपये में एकदम नया कर देंगे मेरे लोअर को। ये यहाँ पे धूल उड़ाने में लगे हैं, रोड बनाने के तो कम है, धूल ज़्यादा उड़ रही है। ये आजकल नई तरीके की मशीन आई है, इसमें लेबर बहुत कम चाहिए अब, और रोड पे आराम से बढ़िया से काम हो जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने चश्मे को दिखवाने, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले मैंने, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने इस चश्मे को दिखाने, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने एक चश्मा बनवाया था, तो उन्होंने एक ब्लू कट रेज करके बताया था कि ब्लू कट जो चश्मे होते हैं वो ठीक रहते हैं अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हो। अब मुझे याद नहीं कि मैंने ये कैसा बनवाया था, और पता नहीं दुकान वाले ने क्या दिया था, तो एक बार दिखा लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, और अगर ये वैसा नहीं होगा ब्लू कट तो ब्लू कट बनवा लेंगे। ये देखो 5x जूम वाला शीशा, ये नॉर्मल 5x जूम सेम है हर बार नहीं जाना, बच गया, धोखा नहीं हुआ था मेरे साथ, ब्लू कट ही था ये। और अगर आप भी कंप्यूटर पे काम करते हो, देर तक फोन छेड़ते हो, तो ब्लू कट रेज बना लो चश्मों में, ताकि आंखें बची रहें। एक बार हमें जाना है मॉडर्न वाले पे, कोई एक एक्सरे करवा के ले आना है गिरीश जी का, तो फिर आगे बताते हैं कितने का हुआ क्या हुआ। ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, जब भी आता हूँ मैं इसको कपड़े पहनाए रहते हैं इन्होंने, आज तक मैंने कभी ये खाली नहीं देखी। तो 600 रुपये ले लिए भाई इन्होंने, एक मुँह का कुछ उसके दांत में दिक्कत आ रही है, शायद कोई दांत तिरछा जा रहा है, तो उस दांत का एक टेस्ट करवाना था। टेस्ट क्या, पूरा जबड़े का एक बढ़िया एक्सरे लेना है 600 रुपये में, हो गया वो, रिपोर्ट भी आ जाएगी आज ही कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ इतनी शांति देखी है, आज खाली हम दो ही क्लाइंट हैं यहाँ, यानी पेशेंट तो एक ही है, अदरवाइज तो यहाँ इतनी भयंकर भीड़ रहती है कि आने में ही मैं सोच रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और आज बिल्कुल खाली खाली है, और मतलब गुड़गांव में सब ठीक ठाक चल रहा है। ऊपर का फ्लोर भी खाली था और नीचे का फ्लोर भी खाली है, मतलब गुड़गांव में हेल्थ व्यवस्था ठीक चल रही है। तो ये करवाने गए थे हम, दांत वाले ने दिखाया था, मेरे को लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, तो शंका दूर होगी। तो रेलवे रोड का काम हमारा ख़त्म हो गया, अब रेलवे रोड से हम आ रहे थे तो पता चला एक बार सेक्टर 85 की तरफ जाना है, तो एक बार फिर वहाँ जाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो मैं गाड़ी से सीधा आ गया साइकिल पे, कई दिन हो गए साइकिल नहीं चलाई थी, इसलिए एक बार थोड़ा चक्कर लगाने आ गया। और यहीं सामने जाके मुझे एक काम भी है, ये जिसको मैंने अपने लोअर दिए थे वो भी लेके आता हूँ, क्योंकि लेट हो रहा था, इसलिए मैं कहा साइकिल ही लेके चलते हैं आज।